कर्नाटक में दिल्ली के श्रद्धा हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। राज्य के बागलकोट जिले में एक व्यक्ति ने अपने पिता की हत्या करके 32 टुकड़े कर दिए। हत्या के बाद शव को एक बोरवेल में फेंक दिया। हत्या का खुलासा होने पर पुलिस ने जेसीबी की मदद से बोरवेल को खुदवाकर बॉडी पार्ट्स को निकाला। पुलिस ने आरोपी बिट्टुल कुलाल को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पिछले मंगलवार को बिट्टुल का अपने 54 साल के पिता परशुराम कुलाल से गन्ने के खेत में पानी न डालने के कारण झगड़ा हुआ था। इस दौरान परशुराम ने अपने बेटे की पिटाई भी कर दी थी। इसी बात से नाराज होकर आरोपी बिट्टुल ने अपने पिता के सिर पर लोहे की रॉड मार दी, जिससे परशुराम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी ने हत्या की बात कबूल ली है। बिट्टुल ने बताया कि उसका पिता हमेशा शराब के नशे में उसे पीटता था, उसे गालियां देता था, जिसे वह सहन नहीं कर पाया। मृतक के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा और पत्नी मारपीट के चलते ही पिछले कई सालों से अलग रह रहे हैं। पुलिस के मुताबिक बड़े बेटे और पत्नी की शिकायत के बाद मामले का खुलासा हुआ। परिजन ने बताया कि परशुराम के रोज रोज के मारपीट से तंग आकर दोनों उससे अलग रहने लगे थे। घटना के 3 दिन बाद परिवार ने जब छोटे बेटे से परशुराम के बारे में पूछा, तब उसने हत्या के बारे में बताया। माँ और बड़े बेटे ने उसे सरेंडर करने के लिए भी कहा, लेकिन वह नहीं माना, जिसके बाद परिजनों ने मुधोला थाने में आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।